अयोध्या में राम जन्मभूमि भूमि पूजन कार्यक्रम और राम मंदिर के भव्य निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखने के दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की सुबह से ही उत्साहित होकर कार्यालय पर भजन कीर्तन और हवन पूजन यज्ञ करते रहे। भगवान श्री राम चंद्र के जयघोष से पूरा कार्यालय गुंजयमान रहा। इस संबंध में बजरंग दल के प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि आज 500 वर्ष की लड़ाई के बाद यह मौका आया है कि हम अपने आराध्य श्री राम के मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखते हुए हम देख रहे हैं। यह अपने आप में भावुकता का विषय है और उत्साह का माहौल भी है। उन्होंने कहा कि यह राम मंदिर सामाजिक एकता सामाजिक समरसता का केंद्र बनेगा। राम मंदिर राम राज्य का प्रतीक होगा, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दौरान विहिप प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीण त्रिपाठी, विष्णु प्रताप सिंह, एमपी सिंह, महानगर संयोजक अशोक सिंह, माया गुप्ता, रूप रानी, कंचन लता सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, कहती क्या है, और ये पाने नहीं गई पार्टी विश्वेंदु परिषद प्रांत सह संयोजक। आज हिंदू समाज के 500 वर्षों के संघर्षों का प्रतिफल महंत अवैधनाथ जी महाराज, अशोक सिंघल जी जैसे पूर्णात्माओं के संघर्षों का परिणाम आज अयोध्या श्री जी में भव्य राम मंदिर निर्माण का प्रारंभ अभी कुछ देर में होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे, इसीलिए आज हिंदू समाज पूरा उत्साहित है। आज हिंदू समाज अपने घरों में होली और दीपावली साथ मना रहा है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद महानगर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रातः काल में हवन भजन कीर्तन हवन का कार्यक्रम रखा है और सायंकाल भव्य दिवाली मनाने का यहाँ पर कार्यक्रम है और भव्य आरती करने का कार्यक्रम है। क्योंकि ये जो राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है ये हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। जब से राम मंदिर
भीड़ बाकी ने तोड़ा था, तब से हिंदू लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लाखों लोग शहीद हो गए, लाखों कारसेवकों ने अपना बलिदान दे दिया, उसके बाद ये दिन आया है। ये हम लोग के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग अपनी आंखों से ये दिन देखने पा रहे हैं। इसलिए आज हिंदू समाज एकदम से आनंदित है, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। घरों घरों में मिठाइयाँ बन रही हैं, घरों घरों में पकवान बन रहे हैं, और आज सायंकाल तो देखने वाली छटा होगी, घर घर में एकदम दीपावली, ऐसा लगेगा कि आज दीपावली है। हम लोग ने भी आज यहाँ पर फुलझड़ी, पटाखे और दीपावली वगैरह का कार्यक्रम आज शाम को रखा है। आज हम भी लोग यहाँ पर दीपावली मनाएंगे।